उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। तमाम राजनेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। अखिलेश यादव को बधाई देने वालों में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। सीएम योगी ने अखिलेश को भेजे गए बधाई संदेश में प्रभु श्रीराम से उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। अखिलेश यादव का 50 सालों का सफर काफी दिलचस्प रहा है। इटावा के छोटे से कस्बे सेफई से निकलकर उन्होंने उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ साथ विदेश में पढ़ाई करने वाले अखिलेश ने महज 38 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी की कमान संभाली और वे मुख्यमंत्री बने। समाजवादी पार्टी की छवि को बेहतर बनाने का उन्होंने काफी प्रयास किया। हालांकि मोदी लहर के कारण समाजवादी पार्टी की नैया डगमगाई, लेकिन अब वे पार्टी को एक बार फिर से बेहतर स्थिति में करने की रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके चाचा शिवपाल यादव ने उन्हें छोटे नेताजी कहकर संबोधित किया। भाजपा के खिलाफ बन रहे गठबंधन में वे इसी भूमिका को हासिल करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश पहला जन्मदिन मना रहे हैं। पिछले जन्मदिन उन्हें पिता का आशीर्वाद मिलता रहा था। अखिलेश यादव को उनकी जीत के लिए भी जाना जाता है। अखिलेश यादव ने अपनी दोस्त डिंपल से शादी करना तय किया। पिता मुलायम इस शादी के खिलाफ थे। डिंपल के माता पिता भी इस शादी के खिलाफ खड़े दिखे। डिंपल ने तो अपने परिजनों को मना लिया, लेकिन अखिलेश को काफी मशक्कत करनी पड़ी। नाराज मुलायम को मनाने के लिए अमर सिंह को भी खासी मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार मुलायम को बेटे के आगे हार माननी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटने के बाद 24 नवंबर 1999 को उन्होंने डिंपल यादव के साथ शादी की। 2007 में यूपी की राजनीति में मायावती ने दलित मुस्लिम ओबीसी समीकरण में ब्राह्मणों को जोड़ा। बहुजन समाज की राजनीति करने वाली मायावती ने जैसे ही सर्वजन का साथ लिया, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में वे कामयाब हो गईं। मुलायम सिंह यादव सत्ता से बाहर हो गए। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में भी सपा को आश्रित सफलता नहीं मिली। तब तक ब्राह्मण वोट बैंक मायावती से छिटकने लगा था, लेकिन यह वोट कांग्रेस की तरफ चला गया। इसके बाद साल 2010 में मुलायम ने अखिलेश को साइकिल की हैंडल थमाई। साइकिल पर सवार युवा अखिलेश यूपी के सड़कों पर खाक छानने निकल गए। पूरे प्रदेश को अगले 2 साल तक उन्होंने छान मारा। अखिलेश की साइकिल यात्रा इतनी प्रभावी हुई कि पहली बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो गई। अखिलेश यादव ने ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद राजनीति में कदम रखा था। साल 2000 में वे कन्नौज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। फिर साल 2004 में और 2009 के लोकसभा चुनाव में भी यहां से जीत हासिल की। 2012 में अखिलेश ने 15वीं लोकसभा के सदस्य पद से इस्तीफा देकर यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनाई। 2017 में यूपी की सत्ता भाजपा के हाथों गंवाने के बाद वे 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से उतरे और जीते। इसके बाद उन्होंने यूपी चुनाव 2022 में एक बार फिर लखनऊ का रुख किया।